नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस वट आर दी स्टेप्स इन चूजिंग द स्टोर लोकेशन क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है जिस तरह अभी हमने डिस्कस किया लोकेशन की इम्पॉर्टेंस सो so अब मैं आपसे वो स्टेप्स डिस्कस करूंगा कि जिसके अंदर जो कि यू हैव टू टेक वाइल मे सिलेक्टिंग दी लोकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर स्टोर सो फोर स्टेप्स नॉर्मली की फॉलो किए जाते हैं इन चूजिंग और सिलेक्टिंग अ स्टोर लोकेशन जिसमें अगर मैं सबसे पहले बात करता हूँ सो फर्स्ट स्टेप जो हमारे पास है दैट इज इवेल्यूएट ऑल्टरनेट जियोग्राफिक या ट्रेडिंग एरियाज इन टर्म्स ऑफ रेजिडेंट्स एंड एग्जिटिंग रिटेलर्स यानी कि हमें दो तरीके से उसको इवेल्यूट करना है सबसे पहले जिस ट्रेडिंग एरिया को हम सेलेक्ट करने जा रहे हैं वहाँ हमें ये देखना है कि वहाँ पर जो रेजिडेंट्स हैं वो उस, उसके परस्पेक्टिव पे हमने इवेल्यूट करना है उन रेजिडेंट्स की का एज ग्रुप क्या है उसके डेमोग्राफिक्स क्या है वहाँ पर उनका इनकम लेवल क्या है वहाँ पर एकचुअली वो डेंस पॉपुलेटेड एरिया है या नॉर्मली वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है वहाँ पर कितने रिटेलर्स हैं एग्जिस्टिंग रिटेलर्स कितने काम कर रहे हैं या और किसी रिटेलर का वहाँ पर क्या प्लान है प्रपोज्ड या प्रोजेक्टेड प्लान या फ्यूचर प्लान है जो कि वहाँ पर आए और वहाँ पर आकर इवेलुएट करे सो द फर्स्ट स्टेप जो कि आपने स्टोर लोकेशन को फाइनलाइज करते हुए लेना है इवेल्यूएट करना है वो उसका ट्रेडिंग एरिया उसका कैचमेंट एरिया कैचमेंट एरिया अगर मैं क्विकली आपको एक्सप्लेन करूँ तो ये वो एरिया होता है जो कि स्टोर का सराउंडिंग एरिया होता है स्टोर के सराउंडिंग एरिया कैचमेंट एरिया कहलाता है सो so आपको कैचमेंट एरिए को इवेल्यूएट करना है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ़ रेजिडेंट्स कि यहाँ पर कितने रेजिडेंट्स मौजूद हैं और वो रेजिडेंट जो कि रेलिवेंट रेजिडेंट्स हैं फॉर एग्जाम्पल आपका जो टारगेट कस्टमर प्रोफाइल है उससे रिलेटेड कितने रेजिडेंट्स हैं रेजिडेंट मौजूद हैं और फिर इसी तरीके से एग्जिस्टिंग कौन कौन से रिटेलर हैं जो उस कैचमेंट एरिया के अंदर उस लोकेशन के ऊपर ऑलरेडी काम कर रहे हैं उसके बाद अगर हम बात करते हैं स्टेप टू के ऊपर तो आपको डिटर्मिन करना है वेदर टू लोकेट एज एन आइसोलेटेड स्टोर और इन अ प्लान्ड शॉपिंग सेंटर इंपॉर्टेंट बात है और इंपॉर्टेंट डिसीजन है नॉर्मली ये डिसीजन जो हैं वो बंस इन वाइल एज एन ऑर्गेनाइजेशन लेती है कि मुझे अपने जो स्टोर्स ओपन करने हैं वो किसी आइसोलेटेड लोकेशन के ऊपर करने इस तरीके से अगर हम पाकिस्तान के परस्पेक्टिव में बात करें तो मेट्रो अपने जितने भी स्टोर्स ओपन करता है वो आइसोलेटेड स्टोर्स ओपन करता है मीन आइसोलेटेड लोकेशन के ऊपर ओपन करता है जबकि हाइपर स्टार हैज़ दिस टेंडेंसी टू ओपन द स्टोर्स इन टू द प्लान शॉपिंग मॉल जिस तरीके से अगर हम लाहौर की बात करें तो एम्पोरियम के अंदर हाइपर स्टार का स्टोर है या पैकेजेस मॉल के अंदर है कराची के अंदर लकी वन के अंदर है या डॉलमन मॉल के अंदर है सो प्लान स्टोर्स प्लान शॉपिंग मॉल्स के अंदर दे हैव द जबकि अगर हम बात करें आ, मेट्रो के परस्पेक्टिव में या सी एस डी के परस्पेक्टिव में या यूटिलिटी स्टोर के परस्पेक्टिव में सो नॉर्मली दे हैव आइसोलेटेड स्टोर सो आपको ये आइडेंटिफाई करना है अपनी स्टोर लोकेशन को चूज करते वक्त कि मुझे अपने स्टोर को आइसोलेटेड स्टोर के तौर पर लेकर चलना है इस स्टेज के अंदर या मुझे प्लान शॉपिंग सेंटर को टारगेट करना है स्टेप थ्री के अंदर आपको लोकेशन टाइप को आइडेंटिफाई करना है मुझे यह आइडेंटिफाई करना है रिटेलर कि मैं किस तरह की लोकेशन जो है वो देखना चाह रहा हूँ मे बी मैं एरिया के हवाले से कोई प्रीमियम लोकेशन देखना चाह रहा हूँ मैं एरिया के हवाले से लेट से कोई लो प्रोफाइल लोकेशन देखना चाह रहा हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ स्टोर्स कुछ रिटेलर्स टारगेट करे होते हैं लोअर मिडिल क्लास को जिस तरीके से अगर हम बात करें यूटिलिटी स्टोर इज़ जनरली मैंट फॉर द मैसेज विच मीन्स दे लोकेशन टाइप शुड भी एट दी यूनियन कौनसल लेवल कि हर यूनियन कौंसल में इलाके के अंदर देर हैज़ टू बुटिलिटी स्टोर इन जनरल एज ए फिनमिना एज ए कॉन्सेप्ट तो आपको लोकेशन टाइप अपनी सिलेक्ट करनी है कि मुझे वो स्टोर जो जो लोकेशन है वो मेट्रोपोलिटन सिटीज़ के अंदर करने हैं और किस फॉर्मेट के ऊपर करने हैं क्या मुझे ये स्टोर मल्टी स्टोर बनाने हैं मल्टी फ्लोर बिल्डिंग बनानी है मुझे सिंगल स्टोर बिल्डिंग बनानी है मुझे किस साइज़ के ऊपर बनानी है तो ये फॉर तो, एग्जाम्पल दस हजार स्क्यर फिट का स्टोर होगा एक हज़ार स्क्यर फिट का स्टोर होगा या एक लाख स्क्यर फिट का स्टोर होगा सो स्टेप थ्री के अंदर आपने लोकेशन टाइप के ऊपर स्टोर टाइप को एम्बेड करते हुए आइडेंटिफाई करना है कि वट वुड बी दी लोकेशन टाइप और फिर फोर्थ स्टेप की तरफ विच इज़ दी लास्ट स्टेप ऑफ द डिस्कशन ऑफ़ चूजिंग स्टोर लोकेशन वो है एनालाइज ऑल्टरनेट साइट्स कंटेन इन द स्पेसिफिक रिटेल लोकेशन टाइप तो जो लोकेशन टाइप आपने आइडेंटिफाई कर ली है आपने सेलेक्ट कर ली है ऊपर चूज कर लिया स्टेज नंबर थ्री के अंदर अब आपने ये देखना है कि वहां पर मेरे पास वाट आर दी ऑल्टरनेट साइट्स विच आर अवेलेबल फॉर एग्ज़ाम्पल इफ आई एम लुकिंग फॉर कि मैंने जो है वो लोकेशन टाइप इस तरह की है कि मैं ए प्रोफाइल टाइप कस्टमर को ए क्लास कस्टमर को टारगेट करने के लिए जा रहा हूँ लेट से मैं डी एच ए को टारगेट करने के लिए जा रहा हूँ सो नाओ अब डी एच ए के अंदर मेरे पास कौन कौन सी ऑल्टरनेट साइट्स मौजूद हैं जिसके ऊपर आई कैन गो एंड फाइंड आउट आई कैन गो एंड ओपन दी स्टोर्स तो ये चारों स्टेप्स हैं क्विकली अगर मैं इसको समराइज करूं तो सबसे पहले आपने ट्रेडिंग एरिए कोवेल्यूएट किया ऑन द बेसिस ऑफ द रेजिडेंट्स एंड रिटेलर्स विच मीनस द कॉम्पिटिशन फिर उसके बाद आपने ये देखा कि मेरा बिजनेस फॉर्मेट क्या होगा मैं आइसोलेटेड स्टोर खोलूंगा या मैं प्लान शॉपिंग स्टोर खोलूंगा और मे बी या मैं ऑनलाइन स्टोर खोलूंगा एंड देन थर्ड हमारे पास मेरी लोकेशन टाइप क्या होगी एंड फोर्थ आई नीड टू सी के मेरे पास कौन कौन सी ऑल्टरनेट साइट्स मौजूद हैं कि जिसके में से मैं चूज करके सेलेक्ट करके अपनी स्टोर लोकेशन को फाइनल कर सकूँ ये बात बहुत ज़रूरी है समझना कि क्योंकि ये डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है लोकेशन का और ये शॉर्ट टर्म डिसीजन नहीं है इट इज़ ऑलवेज़ अ लॉन्ग टर्म डिसीजन सो आपको फ्यूचर परस्पेक्टिव को भी सामने रखना है वाइल मेकिंग एनी डिसीजन फॉर एक्जाम्पल अगर आपको पता है कि टू ईयर्स और थ्री ईयर्स डाउन द लाइन इस लोकेशन के सामने से लट से मोटरवे गुजरना है या हाई वे गुजरना है या रिंग रोड गुजरना है या कोई इस तरह की कोई चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं उस बात को सामने रखते हुए You need to take all such decisions.